अखंडता, भाईचारा और देश की जो गंगा जमुना तहजीब थी उसे नरेंद्र मोदी और शाह की सरकार ने जिस प्रकार खतरे में डालने का काम किया, उस खतरे से बाहर निकालने वाले नेता, एकमात्र नेता हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी है, जो लगातार पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से निश्चित तौर पे देश के आम आवाम से जुड़कर उन्होंने जो कांग्रेस को ये बड़ी जीत दिलाई है कि हम लोग के लिए जीत और संजीवनी से कम नहीं है। इस जीत को हम लोग तब तक इसको संजीवनी का काम करेंगे जब तक हम अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को लाल किले पे झंडा फहराता हुआ नहीं देख लेंगे। युवा कांग्रेस का एक एक सिपाही, एक एक जाबाज सिपाही चुप बैठने वाला नहीं है। तो मैं आप लोग से यही संदेश दूंगा कि निश्चित तौर पे हम जितने भी युवा कांग्रेस के जाबाज सिपाही हैं इस देश की आपसी एकता अखंडता को बचाने के लिए, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी रंजोरा में बोला था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, निश्चित तौर पे यही मूल मंत्र है कांग्रेस पार्टी का, ये मूल मंत्र है हमारे आदरणीय नेता श्रीनिवास जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय खड़गे जी का। तो हम आप लोग से अपील करेंगे कि हम लोग अपना एक एक सिपाही, अपने खून पसीने का एक एक कतरा राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने तक देश के आम आवाम के लिए, युवाओं के हित की लड़ाई के लिए लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय युवा कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार युवा कांग्रेस के अध्यक्ष का, और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं जो मंच के नीचे है आप सभी लोग वहां पर जगह छोड़ देंगे, केवल प्रदेश अध्यक्ष और नेशनल पदाधिकारी राष्ट्रीय पदाधिकारी रहेंगे। अब हम छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश शर्मा जी को आमंत्रित करते हैं कि वे अपनी बातों को आकाश शर्मा जी रखेंगे। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा आयोजित संसद चुनाव के आंदोलन में मौजूद युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी, मंच पर उपस्थित समस्त राष्ट्रीय अधिकारी, प्रदेश अध्यक्षगण एवं देश के कोने कोने से आए युवा कांग्रेस के बंपर श्रेणी कार्यकर्ता सबको मैं नमस्कार करता हूँ। साथियों, आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब राहुल जी हमारे यहाँ राहुल नदी पद यात्रा किए गए तो हर देश वर्ग की आवाज को उठाई थी, और हर देश के हर वर्गों की आवाज को उठाकर देश में एक माहौल बनाया था। इसका नतीजा ये हुआ कि 400 पार के नारा देने वाले लोग 250 पार भी नहीं कर पाए। साथियों, लेकिन ये सरकार जो है सबसे ज्यादा अगर किसी गिरती है तो युवाओं की गिरती है और छात्रों की गिरती है। तो क्या मुद्दा है बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना कहूंगा, दो लाइन करके बात खत्म करूंगा। कई फूल चाहिए माला बनाने के लिए, कई फूल चाहिए माला बनाने के लिए, हजारों फूल में पानी चाहिए समुद्र बनाने के लिए, एक युवा कांग्रेस भी काफी है मोदी का हाथ दिखाने के लिए। तो आप सभी को जितने युवा कांग्रेस साथी है और मेरे सभी समाज साथियों की हमें यह लड़ाई को इस जल्दी से मिल रखना है, क्योंकि यूपी सेंट्रल